नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रकाश शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जो UPSDM उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अभी लास्ट ईयर जो स्कीम आई हुई थी, आप सबको मालूम होगा, तो उसमें बहुत सारे लोगों के प्रपोजल्स मिस हो गए थे, ठीक है। और वो किसी कारण आपको ये दोबारा से एक चांस भी मिला है, ठीक है। और जो लोग इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यह सिर्फ यूपी के लिए है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग तीन मेजर चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और डिपार्टमेंट की आखिर रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा जब आप इस प्रोग्राम को अप्लाई करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन का इसका मोटिव क्या है, आखिर ये RFP निकाला क्यों है। RFP नहीं है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स नहीं, RFE की बात कर रहे हैं हम लोग, रिक्वेस्ट फॉर एम्पैनलमेंट, ठीक है। किनका? स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स, जो प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे उनके लिए। अब यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया जिसकी हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहले, तो वो उसमें यहाँ पे जान लीजिए, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़, एनुअल एवरेज टर्नओवर 3 साल का 1 करोड़ है, पहले एलिजिबिलिटी आपकी यहीं हो जाती है। अगर आप इस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो अभी इस समय में आप वीडियो को लेफ्ट करके जा सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ हमारा टर्नओवर इस साल में हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो पहला मैंने आपको बता दिया, एनुअल एवरेज टर्नओवर 1 करोड़ का होना चाहिए, और आपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह रन किए होंगे अपने ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा, वो मिनिमम 2000 बच्चों को आपने ट्रेंड किया होगा, ठीक है। तो ये पहली दो क्राइटेरिया है मेन जो होती है, जिसके बेसिस पे आपको इंपैनलमेंट मिल जाता है। तो वो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया है, ताकि आप बाद में कमेंट ना करके बताओ कि हम लोग तो सर एलिजिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप जान गए। फिर अब अगर आप इन चीज़ों को फुलफ़िल कर ले रहे हैं, तो अब आपको देखिए क्या करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ क्या क्या रेडी रखने होंगे, जो आपकी बैलेंस शीट होती है, ठीक है, और CA सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है, वो नहीं देंगे रिजेक्ट हो जाएगा। फिर जो लास्ट डेट दी गई है वो 30 सितंबर दी गई है, ठीक है, 30 सितंबर तक का आपके पास टाइम है। आप EMD कलेक्ट कर लीजिए, 1 लाख रुपये EMD जाती है, 10,000 रुपये फीस है, 1,10,000 रुपये आपको पे करना होगा, जिसमें जो EMD है वो रिफंडेबल है और जो 10,000 रुपये फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर भी नहीं है, अगर आपको लगता है भैया कि मेरा हो नहीं पाया, तो आपका सिर्फ 10,000 रुपये सरकारी फीस जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बेसिक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, जो ट्रेड लिस्ट है, आप कहेंगे किन किन सेक्टर्स में, तो इस समय मैं प्रायोरिटी दूंगा आप लाइफ साइंसेज और मेडिकल जो सेक्टर है, उस सेक्टर में ज़्यादातर आप काम करें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब उस सेक्टर की लिस्ट आपको मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दूंगा, वहाँ से लिंक पर आप क्लिक करिएगा, वो सारी लिस्ट आपको आपके मोबाइल पर या आपके सिस्टम पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा क्या क्या सेक्टर्स अवेलेबल हैं। अब टारगेट की बात कर लें, टारगेट कैसे मिलता है, टारगेट आपको डायरेक्ट आपको बताया जाएगा, जैसे आपका एम्पैनलमेंट हो गया, आपका ट्रेनिंग सेंटर एम्पैनल हो गया UPSDM के अंतर्गत। अब आपके पास जो टारगेट अलॉट किए जाएंगे, ठीक है, बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, तो वो आपको फुलफ़िल करना होगा जो भी वहाँ से डिपार्टमेंट से मिलेगा। फिर जो ट्रेनिंग सेंटर्स आप ओपन कर सकते हैं, वो अपने मतलब पूरा यूपी में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप ओपन करने के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे हमने बात कर लिया मेजर चीज़ों के बारे में, यह आपको सभी समझ में आ गया होगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मेन जो चीज़ है, सबसे मेन चीज़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको क्या मिलता है, तो ऐसे समझ लीजिए कि 3 साल तक के लिए भी अगर आप काम कर लेते हैं UPSDM में, तो 1 से 2 करोड़ रुपये तक का तो आप एवरेज निकाल लेंगे जो ट्रेनिंग के माध्यम से होता है। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको पेमेंट मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पेमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, UPSDM से पेमेंट नहीं आता है, रिलीज़ नहीं होता है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, सबसे पहली चीज़ वो ये होगी कि डिपार्टमेंट आपको पे करता है। बहुत सारी जगहों पर आप ही लोग मिस्टेक कर देते हैं, या तो आप उनको जो रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं फुलफ़िल कर पा रहे हैं, या उनकी जो कंडीशंस हैं आपने उनको फुलफ़िल नहीं किया है, ठीक है। सैटरडे में एक लाइव वेबिनार हम लोग रखेंगे जूम या गूगल मीट पर, वो आपको बता दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा गूगल फॉर्म का, फिलअप कर लीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा, तो आपको व्हाट्सएप पे आपको जो ज्वाइन करना होगा वेबिनार उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी आ रही है, तुरंत कमेंट करके आप हमें बताइए, इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा अगर आपको लगता है आप एलिजिबल नहीं हैं, कोई और है, कोई कर सकता है। क्यों बता रहा हूँ शेयर करने के लिए, क्योंकि इसमें आप कंसोर्टियम भी कर सकते हैं, इसके पीछे का मोटिव समझिए। यदि वो देखेगा, उसको लगेगा आपने शेयर किया है इस वीडियो को, तो वो एलिजिबल होगा, तो आप दोनों कंसोर्टियम पार्टनरशिप के तरीके से भी UPSDM में
काम कर सकते हैं। अब वेबिनार का वेट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है या तो वेबिनार में पूछ लीजिएगा या कमेंट करके बताइएगा, तो जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। फिर से बोलूँगा, टेलीग्राम को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं, जो भी प्रोग्राम्स आते हैं, स्कीम्स आती हैं, चेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट के अमेंडमेंट्स आते हैं एनजीओस के लिए स्पेशली, ठीक है। तो वहाँ पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा यहाँ पर मिलते रहते हैं आपको एनजीओस से संबंधित, और जो भी स्कीम्स आती हैं उसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ।